धारा 370 को और 35 से टूटे को आज 4 साल मतलब फोर्थ एनिवर्सरी है, जो कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35 से एब्रोग्रेट हुई थी और आज उसको 4 साल हो गया है। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आज 4 साल हो गए, फोर्थ एनिवर्सरी है। देखिए एक चीज़ जो है मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को अब डिबेट जो है अभी की कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है, वहाँ पर डे टू डे उन्होंने वहाँ पर सुनवाई रहेगी। लेकिन मैं अपनी तरफ से इतना ही कहना चाहूँगा कि दफ़ा 370 और 35 ए जो है उसकी डिबेट जो है वो अब बंद होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता है कि ये जो एक क्लास थी जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं बाकी हिंदुस्तान से अलग जो हैं वो अपनी एक गवर्नमेंट चला रहे थे, आज यहाँ पर वो उस समय दो झंडे होते थे, दो फ्लैग होते थे, एक जम्मू कश्मीर का और एक हिंदुस्तान का। तो मुझे लगता है कि जब हम हिंदुस्तान के वासी हैं तो एक ही फ्लैग जो है उसकी ज़रूरत है। ये जो टॉपिक है मुझे लगता है क्योंकि अब कोर्ट जो है जो भी डिसीज़न करेगा, लेकिन हमें इस डिबेट को बंद करना चाहिए, इस क्रिटिसिज्म को बंद करना चाहिए। बहुत सारे इश्यूज हैं जो बताए जा रहे हैं कि दफ़ा 370 हटने के बाद बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारे हमारे लोग जो हैं उनके बिजनेस जो हैं उनसे छीने गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज भी हो रही हैं, लेकिन वो दफ़ा 370 हटने के बाद का वो उसकी वजह से नहीं है। लेकिन मैं स्पेशली आपके माध्यम से इस आज के इस मौके पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस तरह से एक पब्लिक रिजेंटमेंट जो है आज स्मार्ट मीटर को लेकर के और प्रीपेड मीटर को लेकर के चल रही है, उसमें हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो डिपार्टमेंट हैं उसके ऊपर रिव्यू करें भाई, क्यों पहले जो है स्मार्ट मीटर लगने के बाद पहले जो डिजिटल मीटर थे और स्मार्ट मीटर, इसमें रेट डिफरेंस क्यों आ रहा है, उसमें रीडिंग डिफरेंस क्यों आ रहा है? और अगर जो हमारे डिजिटल मीटर थे अगर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे थे तो उस समय जो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कहाँ था? तो फिर उसके लिए उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स किया जाना चाहिए। या फिर जो जो स्मार्ट मीटर है ये क्यों फास्ट चल रहे हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट को ज़रूर अपना स्टेटमेंट देना चाहिए। और जो पोल पे जो मीटर लगाए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बहुत गलत है। जब आपको पता है कि इसके साथ कोई नहीं छेड़ सकता, जो मीटर हैं उसके साथ कोई भी, चाहे वो लाइनमैन है चाहे वो कंज्यूमर है, कोई इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, कोई इसके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता, तो वो जो मीटर हैं वो घरों के अंदर लगने चाहिए ताकि लोग जो हैं कितनी कंजम्पशन रोज उनकी हो रही है वो पढ़ सकें। पोल के ऊपर कोई ना तो चढ़ पाएगा और सिर्फ लाइनमैन के ऊपर है कि वो कितना बिल जो है वो बना करके आपके घरों में भेज सकते हैं। गवर्नमेंट को इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन दफ़ा 370 जो है वो अब जा चुकी है, डिबेट जो है सुप्रीम कोर्ट में है और मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर डिबेट नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। कार अलायंस बोलती है कि दफ़ा 370 इस नवंबर तक वापस लाएगी आएगी, गुपकार अलायंस का कहना है जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें भी। एक चीज़ तो है कि अगर कोर्ट कोई डिसीज़न करती है तो उसके बाद गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट जो कोर्ट जो है वो अपना डिसीज़न देगी उसकी बात अलग है। पिछले 70 सालों में या 73 सालों में मैं समझता हूँ कि भाई गुपकार जो हमारे लोग हैं गुपकार रोड के, उन लोगों ने यहाँ पर रूल किया है, उन लोगों को पता होना चाहिए कि जो परेशानियाँ जो हैं वो 70 साल जम्मू के लोगों ने भुगती हैं, अब 4 साल में इतना क्या हो गया है कि वो इतने परेशान हो गए हैं? तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बात है। अगर कोर्ट कोई डिसीज़न करता है तो उसके बारे में हम लोग कोई अपना स्टेटमेंट भी नहीं दे पाएंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि इसके ऊपर जो रोज़ रोज़ की एक डिबेट चल रही है ये बंद होनी चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया। आपको बातचीत करवाई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरुण गुप्ता जी के साथ और साफ तौर पर ये कहना निकल कर सामने आया, अगर कोर्ट का ऑर्डर आता है 370 वापस रिस्टोर होती है तो कोर्ट के ऑर्डर को कोई बदल नहीं सकता। अब देखने की बात ये है कि 370 वापस आता है या 371 लागू होता है, बहुत बड़ा सवाल है। जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अगली तमाम खबरों के लिए जुड़ रहिएगा द वर्ल्ड रिलेशन के साथ। विनीत कारेलू के साथ मुझे समीक्षा वर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।